नुमा पाने वाले जींस को कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत बहार के इलाका में एक नायाब टीबी केस सामने आया, जहां 40 दिन के बच्चे के मैदे में जनीन, जिसे आम जबान में हमल कहा जाता है, पाया गया। इत्तलात के मुताबिक हाल ही में मोतीबारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में एक 40 दिन के बच्चे को इलाज के लिए लाया गया। वालदैन की जानिब से डॉक्टर को बताया गया कि बच्चे का पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा ठीक तरह से पेशाब नहीं कर पाता। भारतीय मीडिया का कहना है कि मैदे के फूलने और पेशाब के रुकने की वजह जानने के लिए रहमानिया मेडिकल सेंटर के डॉक्टर तबरेज अजीज ने मरीज के लिए एक कंप्यूटराइज टोमोग्राफी सीटी स्कैन तजवीज किया। ताहम टेस्ट के नतीजे ने इस वक्त सबको हैरान कर दिया, जब डॉक्टरों ने देखा कि बच्चे के पेट के अंदर जींस यानी कि हमल की नशोनुमा हो रही है। इस नायाब वाक्य के बारे में भारतीय मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर तबरेज ने कहा कि तिब में इस मामले को जींस के अंदर जींस कहा जाता है। ये एक नादर केस है जो 5 लाख में से सिर्फ एक मरीज में होता है। डॉक्टर के मुताबिक शीरखार बच्चे की सर्जरी करके जींस को यानी कि अमल को निकाल दिया गया है और बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक है और इसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है।